मैं अपने YouTube के लिए इस टूल को यूज करती हूँ आप अपने बिजनेस के लिए भी इस टूल को डेफिनेटली यूज कर सकते हो आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट प्रोडक्टिविटी टूल के बारे में जो है आसाना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज वी मेक अ लॉर्ड ऑफ कॉन्टेंट ऑन बिजनेस एंड बिजनेस प्रोडक्टिविटी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा I will put some links in description box कि आप और वीडियो भी चेक कर सकते हो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आसाना जो एक प्रोडक्टिविटी टूल है उसका पूरा फुल ट्यूटोरियल आप उसको कैसे यूज कर सकते हो तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग तो सबसे पहले जब आप आसाना की वेबसाइट पे जाओगे इसकी एक मोबाइल ऐप भी है आप दोनों ही यूज कर सकते हो आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप नया अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते आप सिंपली अपना गूगल अकाउंट भी यूज कर सकते हो इसमें लॉग इन करने के लिए तो लॉग इन करने के बाद आपके पास एक ऐसी स्क्रीन आएगी जिसमें आप नए प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो आप अगर कोई लोगो कलर चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो ताकि आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स डिस्टिंगविश्ड रहें सो बेसिकली आप दो तीन जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो जैसे मान लीजिए इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके साइंस प्रोजेक्ट या आपके कंप्यूटर्स के प्रोजेक्ट अलग अलग टीम्स के साथ है तो आप उसको बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हो आसाना में अपने अलग अलग प्रोजेक्ट डाल के प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर जाइए और उसमें आप लोगों को एड कर सकते हो बेसिकली द इंटायर टीम जो आपके साथ काम कर रही है आप उन सभी लोगों को एड कर सकते हो ताकि वो लोग भी देख सके एग्जैक्टली exactly क्या प्रोजेक्ट है क्या क्या काम चल रहा है और कैसे कैसे करना है तो इसके लिए आपको सिंपली उन लोगों की ईमेल आईडी डालनी है और उन्हें ऐड करना है इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही सारे तरीके के व्यूज दिए हुए हैं कैलेंडर व्यू लिस्ट व्यू बोर्ड व्यू मैं ज्यादातर बोर्ड व्यू यूज करती हूँ और वो क्यों मैं आपको थोड़े टाइम में जरूर बताऊंगी लेकिन सबसे पहले टास्क के लिए एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो मैं टेम्पलेट क्यों क्रिएट करती हूँ ये बहुत ही जरूरी चीज है मैंने एक बार टेम्पलेट क्रिएट कर लिया और मुझे बार बार उस चीज को रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है और मेरे पास हर वीडियो के लिए चेकलिस्ट तैयार हो जाती है तो लेट्स से मैं एक छोटा सा टेम्पलेट क्रिएट करती हूँ इसमें आप जितने चाहे सब टास्क डाल सकते हो और ये जो सब टास्क डालते हो ना ये भी आप किसी को भी असाइन कर सकते हो पहले नाम टेम्पलेट रखोगे क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्पलेट है जिसको आप बार बार कॉपी करोगे उसके बाद अगर आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन डालना चाहो जैसे मैं यूजुअली डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो का फाइनल लिंक और ड्राइव का लिंक जहाँ पे मैं सारी की सारी वीडियो के डॉक्यूमेंट सेव करती हूँ वो डालती हूँ सब टास्क हो सकते हैं वीडियो का टॉपिक रिसर्च स्क्रिप्टिंग वीडियो शूटिंग एडिटिंग डिस्क्रिप्शन प्लस टैग्स प्रमोशन सो इस तरीके के बहुत सारे सब टास्क आप डाल सकते हो इनफैक्ट मैंने यहाँ पे मेजर मेजर चंक लिया है बट रियलिटी में मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करती हूँ जैसे मैंने सिर्फ प्रमोशन लिखा तो वो सिर्फ प्रमोशन नहीं रहेगा फेसबुक पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर ई हर चीज को एक एक करके डिफाइन किया जाएगा वॉट ऑल आई नीड टू डू सो यहाँ पे हम जस्ट ओवरऑल आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कि मैंने पांच छह सब टास्क डाल दिए अब आप इन सब टास्क को भी किसी को असाइन कर सकते हो इवन खुद को भी देन ऑब्वियसली यू कैन हैव अ डेट फॉर एवरी प्रोजेक्ट बट क्योंकि ये टेम्पलेट है यहाँ पे मैं डेट्स नहीं डाल रही हूँ तो ये हो गया आपका टेम्पलेट रेडी अब आप इस टेम्पलेट को सिंपली डुप्लीकेट कर सकते हो वे आप एक नया वीडियो बना रहे हो इन केस फॉर न्यू वीडियो आपके केस में अगर आप आप वही काम काम सिमिलर बार बार कर कर रहे हो तो आप उसको सिंपली डुप्लीकेट सकते हो रिमेंबर असाइनीज को भी हमें इंक्लूड करना है सो ऑलवेज टिक दिस ऑल्सो ताकि जब आप डुप्लीकेट करो तो जिन लोगों को आपने असाइन किया हुआ है टास्क सेम लोगों को ही असाइन रहे अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ एक बोर्ड क्रिएट करना सो so एसेंशियली आप अलग अलग तरीके के बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो जैसे इनिशियली आपका हो गया वीडियो आपका हो सकता है शूटिंग देन देन एडिटिंग ऐसे करके आप जितने चाहे बोर्ड्स क्रिएट कर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वो काम कौन कर रहा है या कितना डेडलाइन देते हो आप उस पर्टिकुलर स्टेज पे जैसे अगर मैं आपको अपना फ्लो समझाऊ तो यूजुअली मैं वीडियो को शूट करने के बाद शूटिंग डन वाले ब्लॉक में डाल देती हूँ उसके बाद वो एडिटिंग का काम होगा एडिटर का And वहां से टीम कोऑर्डिनेट करती है डू नॉट एडिटर आफ्टर दैट प्रमोशंस, सबटाइटल्स या इवन टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन ये सब चीजें मेरी टीम के काम है तो वो सब चीजें वो अपने काम के हिसाब से वंस एडिटिंग इज डन उनको पता है अब इस वीडियो पे वर्क करना है वो अपने काम के हिसाब से उन चीजों को अपडेट करते रहते हैं तो ये सभी चीजें सब टास्क में डाली जाती है और अब जिस टीम मेंबर की बारी है उसको दिख जाएगा अपने बोर्ड में कि हाँ अब ये मेरे बोर्ड के अंदर आ चुका है तो अब मेरी बारी है इस पर्टिकुलर वीडियो पे काम करने की उसके साथ साथ मैं हर एक टास्क में एक डेड भी असाइन करती हूँ ताकि हम उस डेडलाइन के अंदर अंदर ही अपना काम खत्म कर ले सो so, बहुत क्लियर है कि जो भी डेडलाइन है उससे कम से कम चार दिन पहले तक वीडियो एडिट हो जाना चाहिए और दो दिन पहले तक बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए तो इस तरीके से हम इन चीजों को मैनेज करते हैं ओब्वियसली बहुत बार मेरे एंड से भी डिले हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप हर चीज को टाइम पे रख सको और आपको दिखता रहे विजुअली कि आपका कौन सा वीडियो कौन से स्टेज पे है या कौन सा वीडियो पे काम करना है किसकी डेडलाइन पास आ रही है तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है स्पेशली जब आपके पास बहुत सारे काम होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं बहुत सारे टास्क होते हैं तो आप हर चीज को मेंटली अपने दिमाग में रखो इससे अच्छा आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे ना सिर्फ आपकी डेली चेकलिस्ट हो डेली चेकलिस्ट आपकी होती है उसके अलावा आप हर एक पर्टिकुलर टास्क को मॉनिटर कर पाओ और आपको उस तो चीज की टेंशन ना रहे तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको यूज करती हूँ किया सो so, इस पर्टिकुलर वीडियो पे ही जैसे ही मेरा वाला काम हो जाएगा तो so, जैसे मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे सब टास्क होते हैं मैंने यहाँ पे चार पांच ही लिखे हैं जस्ट फॉर रेफरेंस तो जैसे ही मेरा काम हो जाएगा आई विल टेक इट सो जैसे ही मैंने टेक कर दिया ये नोटिफिकेशन सारे के सारे यूजर्स को चली जाएगी की ये काम कम्पलीट हो चुका है देन आई कैन मूव इट टू द नेक्स्ट बोर्ड अगर मेरा उस सेक्शन का पूरा का पूरा काम खत्म हो चुका है सब कुछ टिक हो चुका है इसके साथ साथ कई बार कुछ ऐसे सब टास्क होते हैं जो हर एक वीडियो के लिए रेलिवेंट नहीं होते जैसे आपने देखा होगा मैं बहुत बार डिस्क्रिप्शन में लैंडिंग पेजेस डालती हूँ तो वो हर एक वीडियो के लिए रेलिवेंट नहीं होते तो उस केस में आप उन चीजों को इस पर्टिकुलर टास्क से हटा भी सकते हो डिलीट भी कर सकते हो तो जरूरी नहीं आप सारे के सारे सब टास्क रखो आपको बोर्ड के अलॉन्ग मूव करना बहुत ही आसान है सिंपली आप उस पर क्लिक करके ड्रैग करो आप जहाँ पे भी चाहो ड्रैग कर सकते हो अगर आपको डिजिटल प्लानर्स की जगह वो डायरी वाले प्लानर्स का ज्यादा शौक है फॉर योर बिजनेस तो वो भी यूज कर सकते हो मैं कुछ बहुत ही अच्छे प्लानर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ आप उन प्लानर्स को भी चेक कर सकते हो अगर आसाना आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या डिफिकल्ट है पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि चाहे आप डिजिटल यूज करो चाहे आप हार्ड कॉपी प्लानर्स यूज करो पर आप अपने बिजनेस के हर एक स्टेप को प्लान करते रहो ताकि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में ना रहे आपको हर चीज विजुअली देखने को मिले इससे आपका दिमाग कुछ क्रिएटिव कुछ प्रोडक्टिव कर पाएगा उसके साथ साथ मैं गूगल शीट्स को बहुत बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए उस पर मैंने एक पूरा अच्छा अलग से वीडियो बनाया है और वो वीडियो चेक करना मत भूलना अगर आपको आसानों को लेकर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे पता है एक नया टूल एकदम से यूज करना काफी मुश्किल होता है बट इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ बेसिक्स कवर किए हैं बिल्कुल ही फ्री टूल है आप आराम से यूज कर सकते हो और एक बार आप स्टार्ट करने लग जाओ तो धीरे धीरे आप और फीचर्स भी डिस्कवर कर पाओगे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना पसंद होगा